तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको क्लेटर का वाउचर सेल करना है तो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब के वीडियो का मुद्दा है कि YouTube पे एक चल रहा है बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड। जिनके पास भी क्लेटर पे यात्रा के वाउचर है उनके साथ वो बंदा स्कैम कर रहा है। यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मैं आपको स्कैम का तरीका बताता हूँ। अभी की डेट में क्या हो रहा है आप ध्यान से सुनना। अगर आपको मुझे वाउचर सेल करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा व्हाट्सएप नंबर लो और मुझसे आराम से बात करो और सेल करो। पर जो बंदा स्कैम कर रहा है उसका मैं तरीका बताता हूँ, स्कैम करने का तरीका क्या है। देखो दोस्तों, अभी की डेट में क्या है कि वाउचर के साथ में पिन नहीं आ रहे हैं। आप जो भी क्लेटर का वाउचर देखोगे ना तो उसके साथ में पिन नहीं आ रहा है। जब मान लो कोई बंदा यूट्यूब से सर्च करके किसी को वाउचर बेचने की कोशिश करता है, वो जो फ्रॉड बंदा है, जब उसके पास में वो वाउचर जाता है तो वो आपको बताता है बेस्ट रेट। मान लो 2000 का उसने आपको बताया 1500 रुपये, 1400 रुपये या 1300 रुपये, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसको वाउचर दे देते हो क्योंकि आपको लगता है ये तो बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो जैसे आप उसको वाउचर देते हो वो बंदा आपके वाउचर को सेव कर लेता है और आपको तुरंत बोल देगा कि मैं आपको इसके 600, 700 या 800 रुपये दूंगा क्योंकि इसमें पिन नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप सुनोगे भाई ये तो सीधे 1400, 1500, 700, 800 रुपये का, तो आप उसको बोलोगे भाई इस वाउचर को यूज मत करना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आप वही वाउचर जाके दूसरे बंदे को दे देते हो, ठीक है। तो उससे पहले पहले वो बंदा क्या करता है, जो फ्रॉड स्कैमर होता है, वो स्कैमर फ्रॉड बंदा क्या करता है, वो आपके वाउचर को तुरंत 15 मिनट, आधे एक घंटे में यूज कर लेता है। अब उससे आपको दिक्कत क्या थी, मुझे क्या दिक्कत आती, जैसे मान लो आपने उस स्कैमर को वाउचर दिया, ठीक है, आपने उस स्कैमर को वाउचर दिया, बाद में आपने उसको मना कर दिया कि उसको यूज़ मत करना, फिर आपने मुझे वाउचर दे दिया। अब जब मैं उस वाउचर को यूज़ करने बैठ रहा हूँ तो उस टाइम पे क्या रहा, वाउचर जीरो हो रहा है। अब कस्टमर मुझसे पैसे मांग रहा है, भाई मुझे पैसे दो। अब जब मैं उसको बोल रहा हूँ कि वाउचर जीरो है, तो जब आर्ग्यूमेंट में पता चलता है कि मैं उससे पूछता हूँ कि आपने ये वाउचर पहले किसी और को दिया, फिर वो दिमाग पर जोर लगा के बताता है कि हाँ मैंने किसी एक बंदे को दिया था पर मैंने वहाँ से डिलीट मार दिया था, तब तक वो स्कैमर जो बंदा है, वो फ्रॉड बंदा है, वो वाउचर को यूज़ कर चुका होता है और पैसे देने से मना कर देता है और बोल देता है कि मैंने वाउचर यूज़ नहीं किया है। तो जस्ट ये क्या है, एक स्कैम करने का तरीका है। पहले आपको वो लालच देगा ज़्यादा पैसों का, तो ज़्यादा पैसों के चक्कर में आप उसको वाउचर दे दोगे, बाद में वो उसी वाउचर का रेट हाफ कर देगा, हाफ करने के बाद आप उसको बोलोगे मुझे वाउचर नहीं बेचना है और वाउचर वहां से डिलीट मार दोगे। पर तब तक वो बंदा उस वाउचर को सेव कर चुका होता है और सेव करते ही आधे पौने एक घंटे में वो उस वाउचर को यूज़ कर लेता है और आपको बोल देता है कि मैंने इस वाउचर को यूज़ नहीं किया है। तो आपको मैंने इंसिडेंट पूरा बता दिया है, मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं ले रहा। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो आप अलर्ट रहना, उस बंदे को वाउचर मत देना। वाउचर देने से पहले पूछना कि पिन वाले वाउचर का रेट क्या है और नॉन पिन वाले वाउचर का रेट क्या है। तो एक नया बंदा स्कैम करने आया हुआ तो आपको उससे हमेशा बच के रहना। तो मेरा काम यहाँ पे आपको बचाने का था। प्लस इसके अलावा आपके पास अगर कोई क्लेटर यात्रा का वाउचर आता है तो आप वो मुझे सेल कर सकते हो, मैं आपको बेस्ट प्राइस पर वाउचर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।